हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन रीजनिंग में अपना आकृति विज्ञान टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, त्रिभुज गिनना अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन आया अपने पास कि इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखो, वही तरीका अपना पहले पढ़ रहे थे अपन, वही नंबरिंग करो, त्रिभुज गिनो और संख्या दें। कैसे करेंगे? देखो, ये एक त्रिभुज दे रखा है अपने पास में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है अपने को। ये देखो, मैंने एक अलग ही ले लिया। देखो, नीचे वाली आकृति को भूल जाओ, अपने पास है ही नहीं। अपने को केवल ये रखना है कि भाई ये अपने पास आकृति है, इसमें कुल त्रिभुज चाहिए अपने को। क्या करना है? पहले मैंने बताया नंबरिंग दो, दे दिया नंबरिंग। उसके बाद में क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो ये लो, एक और दो जोड़ दिया मैंने, और जोड़ने के बाद में कितनी आ जाएगी? तीन। तो इस वाली आकृति में त्रिभुज कितने हैं? कुल तीन है। ठीक है, अब देखो एक और आकृति लो। इस त्रिभुज में ये पूरी आकृति ले लो, बाकी को भूल जाओ, और ये बीच में एक माध्यिका का। ठीक है, तो इसमें पूरी में देखो ये वाली आकृति बन गई ना, ये माध्यिका हो गई, ये पूरा त्रिभुज हो गया। कुल त्रिभुजों की संख्या चाहिए हमें। वही तरीका है ऊपर निकाला अपन ने, एक दो। ठीक है, और क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो कुल संख्या कितनी आ गई? तीन। तो ये वाली जो आकृति है अपने पास में, इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं? तीन है। ठीक है, अब आगे देखो, ये वाली आकृति लो अपने पास, ये भी तो एक त्रिभुज ही है, बाकी को भूल जाओ, बीच में क्या है? माध्यिका। त्रिभुजों की क्या चाहिए अपने को? कुल संख्या। क्या करना है? नंबरिंग देना है। ठीक है, और नंबरिंग देके क्या करना है? इनको जोड़ना है। कितने आ गए? तीन। तो ये वाली आकृति में कुल कितने त्रिभुज? तीन। इस पूरी आकृति में कुल कितने त्रिभुज? तीन। इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज? तीन। तो सबको जोड़े अपन, तीन प्लस में तीन प्लस में तीन, तो तीन तीन छह और तीन नौ तो हो गए। उसके बाद में देखो, एक त्रिभुज अपने पास ये बन जाता है, पूरा बना लिया ना, ये तो अपन ने ले लिया। अब देखो, ये मैंने अलग संख्या निकाली है, इस पूरी की मैंने अलग संख्या निकाली, इस पूरी की मैंने अलग संख्या निकाली। अब क्या करें कि पूरी आकृति एक साथ में लेते हैं। क्या करना है? इस पूरी आकृति को एक साथ में लो। उसके लिए अपने को क्या करना है कि देखो भाई, पूरी को लेंगे तो इस वाले त्रिभुज को इस वाले से मिलाएंगे, तो एक तो संयोजन ये हो गया। इस पूरी को उसके बाद में इससे भी मिलाएंगे तो एक संयोजन ये हो गया। लेकिन इस पूरे त्रिभुज को अपन यहाँ पे ले लिया था ना, तीन निकाल लेंगे, तो एक बड़ा त्रिभुज देखो ये आ गया अपने पास में। एक तो ये तीनों एक साथ मिल गए ना, ये बड़े त्रिभुज मिलते हैं, तो एक तो ये हो गया, और एक इसके अपोजिट देखो, तीनों के मिलने से एक त्रिभुज ये, एक ये पूरा बड़ा और एक ये, तीनों को मिला रहे हैं अपन संयोजन से, तो एक ये हो गया। तो एक त्रिभुज ये, एक तो पूरा बड़ा ये बन गया, और एक इसकी अपोजिट साइड है ये बन गया, तो दो त्रिभुज और बन गया ना, तो दो और जोड़ देते हैं। देखो, त्रिभुजों की संख्या तो याद करनी है, तो देखो कॉर्नरों पे देखो, एक त्रिभुज ये नहीं है ना, है ना? उसके बाद में एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, पर एक त्रिभुज ये रहा, तो कितने और हो गए? चार। भाई तीन तीन तो सब अलग अलग है, डिवाइड करके याद कर लेंगे। उसके बाद में इन तीनों को मिलाएंगे तो दो त्रिभुज और बन जाएंगे, ये बड़े त्रिभुज तीनों के मिलने से। ठीक है, उसके बाद में चार कॉर्नर पर है, तो चार में जोड़ देता हूँ। अब क्या आ गई है? त्रिभुजों की कुल संख्या जोड़ दो, तीन तीन छह, तीन नौ, दो ग्यारह,
और 4 15, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है अपने पास? 15। करना कुछ नहीं है, बस डिवाइड कर दो, ये अलग त्रिभुज, ये फिर पूरा अलग, फिर ये एक अलग, ठीक है। सबकी अलग अलग संख्या ज्ञात कर लो, उसके बाद इस आकृति को मिला दो पूरी को। मिलाने के बाद में ये तीनों से एक बन जाएगा और इस तरफ भी एक बन जाएगा, ठीक है। फिर इस चारों कॉर्नरों पे एक एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी अपन जोड़ लेंगे, तो कुल त्रिभुज कितने आ जाएंगे? 15। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी होगी? 15 होगी, ठीक है दोस्तों। इसको उतार दो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। समझ में आ गया होगा त्रिभुज का? देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं या दो और लेंगे, उसके बाद में अपन वर्ग और आयत करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने करवा दिए। देखो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो जैसे एक आकृति गिनना होता है, उनका कोई तरीका नहीं होता, वो तो त्रिभुज देखो अपन देख के भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई तरीका नहीं होता बताने लायक, वो कोई बात नहीं होती। अगर अपन यहीं पे सब क्वेश्चन लेके बैठते हैं तो टॉपिक अपने खत्म ही नहीं होंगे, तरीका अपने को पता ही नहीं चलेगा। तो वो क्वेश्चन देखेंगे अपन जिनमें तरीका लगाना है, फास्ट हल करना है सबको, वो वही देखेंगे। तो देखो आगे क्वेश्चन देखो, यह त्रिभुज है, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक नीचे भी त्रिभुज है, एक ये हो गया, ठीक है, और इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया अपने पास एग्जाम में, ठीक है, क्या पूछा इसमें कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? वही पढ़ना, त्रिभुजों की संख्या बतानी है अपने को। तो क्या करना है, नीचे वाली आकृति को भूल जाओ, है ही नहीं, ये वाली ले लो बस, ठीक है। इससे ऊपर ये एक त्रिभुज बन रहा है, पर इस त्रिभुज में पहले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, कितने त्रिभुज है। तो तरीका क्या है अपना, सेम वही तरीका है, बार बार बता रहा हूँ, नंबरिंग करो, ये मैंने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। नंबरिंग करके क्या करना है, इन सबको जोड़ना, तो ये जोड़ दिया, 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, कितने आ जाएंगे? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इस आकृति की अगर अपन बात करें केवल इतनी की, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज है? 15 त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में इस ऊपर वाली को भूल जाओ कि ये है ही नहीं अपने पास में, केवल क्या ले लो, ये वाली आकृति ले लो, बस ये अपने पास। और अपने को इसमें क्या देखना है, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो वही तरीका ऊपर वाले में लगाया हुआ, नंबरिंग दे दो, ये लो नंबरिंग देके क्या करना होता है, सबको जोड़ना है, तो वही 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, ठीक है। अब जोड़ दो, वो ऊपर वाले की तरह योग कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 इसमें और 15 इसमें, दोनों में कुल कितने हो जाएंगे त्रिभुज? 15 और 15 30 त्रिभुज आ जाएंगे। तो अगर अपन इस आकृति की बात करें तो कुल कितने त्रिभुज होंगे? 30 त्रिभुज होंगे। करना क्या है, पहले इसकी आकृति निकालो और फिर इसकी निकालो और दोनों को जोड़ दो, कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या गिनने में अपन ने मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए, बाकी के क्वेश्चन कुछ बच जाते हैं जो अपन खुद के करने लायक होते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, जो भी अपने बुक वगैरह में सीट वगैरह में मिलते हैं या आगे पीडीएफ वगैरह अपलोड करवाएंगे तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे अपन देखेंगे वर्ग निकालना, वर्गों की संख्या गिनना या कितने वर्ग है। तो देखो दोस्तों साथ साथ में नोट करते रहा करो, नोट करने का तरीका यही है, क्वेश्चन शुरू करते हैं, वीडियो पॉज करो, नोट कर लिया क्वेश्चन, उसके बाद में पूरा हल देखा,
समझ में आया तब तो ठीक है, खुद के दिमाग से उसका पूरा तरीका लिखो, या समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखो और फिर कॉपी में नोट करो, नोट्स बना लो। आगे आपको बार बार में ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर अपन वीडियो देखें तो बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम अपने पास में नहीं होता है। तो देखो आज अपन वर्गों की संख्या गिनना सीखेंगे, वर्गों की संख्या गिन, ठीक है। वर्ग क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, चतुर्भुज जैसी होती है, लेकिन उसमें एक विशेषता होती है कॉमन कि उसकी सब भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है आपस में, ठीक है। जैसे देखो मैं इसकी बात करूं तो ये क्या एक वर्ग, ऐसे अपने को निकालना है कोई भी आकृति आई उसमें कि कितने वर्ग है, ऐसी आकृति कितनी है उसमें। तो देखो मैं छोटे से क्वेश्चन से शुरू करूं, मैंने ये एक आकृति ली, ठीक है, ये कर दिया इसमें। प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है अपना कि दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या करना है, देखो तरीका, पहले तो रो और कॉलम दोनों में क्या दे दो, नंबरिंग, देखो एक और दो, ये कॉमन रखना है सब में, हमेशा एक आएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ गया, दो, ये आकृति भी है, नंबरिंग करना है दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ, इसको कॉमन रख के इसमें हमेशा क्या आएगा, एक, यहाँ पे एक लिखे उधर जितने भी है उसमें नंबरिंग करते जाओ और नीचे भी जितना है उसमें नंबरिंग करते जाओ, कर दिया मैंने नंबरिंग। फिर क्या करो, यहीं से शुरुआत कर लो और इसको उल्टा लिख लो, जैसे देखो दो एक, ठीक है, और फिर क्या करो इसको भी उल्टा लिख लो, दो और एक, ठीक है। क्या किया, नंबरिंग किया है मैंने, उसके बाद में इन दोनों को उल्टा लिख दिया, आपस में क्या करना, गुणा करना, तो दो को दो से करेंगे कितना, चार, और एक को एक से करेंगे तो कितना, एक, इन दोनों को आपस में क्या करो, ऐड कर दो, तो चार और एक कितने हुए, पांच। तो इसमें कुल वर्गों की संख्या भी अपने पास कितनी आ गई, पांच। देखो आसान सा है, देखो दोबारा से देखो, ये अपने पास आकृति है, प्रश्न क्या है कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है, करना क्या है, दोनों में देखो क्या कर दो, नंबरिंग कर दो, ठीक है, क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो देखो ये कर दिया मैंने और यहां पे भी कर दिया, ध्यान में क्या रखना है कि हमेशा ये जो फर्स्ट में जो भी वर्ग आए अपने पास उसको क्या करना है, कॉमन करना, ठीक है, कॉमन मान के उसमें एक लिख दो और दोनों तरफ अपने क्या करते जाओ, गिनती देखते जाओ या नंबरिंग कर दो। फिर क्या करना है, उल्टा लिखो इसको, उल्टा लिख दिया, दो और एक, दो और एक, ठीक है, और आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा करने के बाद में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये ऐड हो गया, कितने आएंगे दोनों को ऐड करने पर, पांच आएंगे, ठीक है। तो दोनों को गुणा करके जोड़ने पर संख्या जो भी आएगी वो क्या हो जाएगी, कुल वर्गों की संख्या आ जाएगी, क्या आएगी, कुल वर्गों की संख्या। प्रश्न क्या है ना, इस आकृति में कितने वर्ग है, मतलब इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं वो निकालना है, तो नंबरिंग करो, नंबरिंग करके उनको गुणा करो आपस में, ठीक है, कॉलम और पंक्ति को, और गुणा करके क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, वर्गों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। एक प्रश्न और देखो, देखो ये लिया मैंने, ठीक है,
अपने पास क्या आई है, आकृति आई है। प्रश्न क्या है एग्जामिनर का कि इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है। क्या प्रश्न है कि इस आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, क्या करना है, नंबरिंग करना है, बस सीधी सी बात है। नंबरिंग तो करते आ रहे हैं शुरुआत से, यही तरीका है अपना। इसको कॉमन मान के क्या लिखना है, एक, और दोनों तरफ क्या लिख दो, गिनती या नंबरिंग करना है। तो देखो, तो एक दो तीन चार लिख दिया, नीचे की तरफ भी लिखना है, तो वही एक दो तीन और चार। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, दोनों को उल्टा लिख के क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, देखो 4 3 2 1 वही करना है, 4 3 2 1 इसको भी उल्टा लिखा है और इसको भी उल्टा लिखा है, और क्या क्या इनका आपस में मल्टीप्लाई गुणा किया, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। और 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 और 4 29, 29 और 1 30। देखो आसान सा तरीका है, आकृति है, वर्गों की कुल संख्या चाहिए, करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक लिखो और दोनों तरफ क्या लिख दो, गिनती तो लिखनी है, सबको आती है, गिनती लिख के उल्टा लिख लो दोनों को, और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में उन सबको क्या करो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद में जो भी संख्या है अपने पास में वो क्या रहेगी, वर्गों की कुल संख्या है। तो समझ में आ गया हो, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखो ये नोट कर लेना अगर नहीं किया, तो देखो आगे और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे अपनी क्लास सेट होती जाएगी, धीरे धीरे क्वालिटी वगैरह का इश्यू, आवाज वगैरह का इश्यू, सब अपन धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, बस आप सहयोग करते रहिए, ऐसे ही क्लास लेते रहिए, पढ़ो आराम से, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे वाला क्वेश्चन, ये एक मैंने करते हुए, ठीक है, ये मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये एग्जाम में अपने पास में क्वेश्चन ये आकृति आई है, और इसमें लिख रखा है कि दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। क्या दिया है प्रश्न है कि दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। क्या करना है, देखो यहाँ पे कॉमन रखना है, उसके बाद में दोनों तरफ क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4, उसके बाद में नीचे भी 1 2 और 3। क्या करना है, वही बेसिक तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट में एक लिखो, उसके बाद में दोनों तरफ गिनती लिख दो, जहां तक लिखा जाए। लिखने के बाद में क्या करना है, उल्टा लिखना है, तो उल्टा देखो मैं लिख देता हूँ इसको, 4 3 2 1 लिख दिया। अब देखो दिक्कत ये आती है, इसको भी उल्टा लिखना होता है ना, तो देखो मैं इसको भी लिख देता हूँ, 3 2 और 1। भाई कितने दो क्यों संख्या पर ने, उसमें तो सब, इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 आ रहे थे, और आपस में सबको गुणा कर दिया उल्टा लिख के और जोड़ दिया और संख्या आ गई। लेकिन भाई आप क्या करें, एक तो अकेला बच गया, इसका गुणा किससे करें, उल्टा तो लिख दिया ठीक है, लेकिन उल्टा लिखने में इसमें एक संख्या क्या हो गई, कम हो गई, क्या करें आप, अब तो वो तरीका फेल हो गया ये लगता है। लेकिन घबराना नहीं, उल्टा इसको लिखा है ठीक है, इसको भी उल्टा लिखा है ठीक है, ये तरीका अपना। लास्ट में जहां पे भी अपने पास संख्या कम पड़े वहां पे क्या लिख दो, 0 लिख दो, और मल्टीप्लाई अपने को करना, तो ये लो मल्टीप्लाई मैंने कर दी। ठीक है,
जितने भी अंक कम पढ़े नीचे उन सब में क्या करना है, जीरो का गुणा करना है, संख्या बराबर करने के लिए। ये नहीं करना है कि भी दो को एक से कट जाए, तीन को दो से, चार को तीन से, तो एक का एक से और कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो सीधी सी बात है, नंबरिंग करके उल्टा लिखा दोनों को, जहां पे भी संख्या कम पड़े उसकी जगह क्या कर दो, जीरो कर दो, और ऊपर से बड़े नंबर से छोटे तक लिखते आ जाओ। तो देखो, चार को तीन से गुणा करूंगा कितने आएंगे, 12, तीन को दो से गुणा करूंगा कितने आएंगे, 6, दो को एक से गुणा करूंगा कितने आएंगे, 2, और एक को जीरो से करूंगा तो गुणा कितने आएंगे, 0। क्या करना होता है गुणा करके, सबको जोड़ना होता है। तो देखो मैं जोड़ देता हूँ, प्लस का चिन्ह दे दिया, 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 और 2 कितने हो गए, 20। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या अपने पास कितनी आ गई, 20 आ गई। क्या किया है, आकृति दी अपने को, इसको कॉमन माना, दोनों तरफ क्या लिख दो, गिनती लिख दो क्रम में, लिखने के बाद में बड़े नंबर से शुरू करो और छोटे तक लिखते जाओ, दोनों को कोना और पंक्ति दोनों है ना, दोनों को लिखते जाओ, जहां नंबर कम आया वहां पे लास्ट में क्या दे दो, जीरो, क्योंकि छोटी संख्या जो भी आती है, और यहाँ पे कितने भी आते हैं देखो ऐसे हो जाता है, आगे क्यों संख्या लेंगे, चलो उसमें समझा दूंगा। तो लास्ट में जो भी संख्या कम आया उसमें क्या दो, जीरो, उसके बाद में मल्टीप्लाई किया सबको और फिर क्या किया, सबको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये संख्या 20 क्या आ गई, इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो आगे वाले क्वेश्चन, और देखो ये आकृति दी अपने को, पूछा क्या है कि वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी, प्रश्न क्या है, वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी इस आकृति में, क्या करना होता है, वही तरीका, एक लिखा और दोनों तरफ क्या कर दो, गिनती लिखनी है बस, सबको आती है, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है, और नीचे भी लिख दो, एक और दो लिख लिया। और उसके बाद में क्या करना होता है, उल्टा लिखना है ना दोनों को, पंक्ति और कॉलम को। तो देखो, पांच, चार, तीन, दो, एक लिख दिया, इनको भी तो लिखो उल्टा, तो दो, एक, खत्म हो गए ना। अब देखो तीन नंबर और बच गए, क्या करें हम, तरीका तो फिर गड़बड़ हो गया, क्या करें, तो जितने भी नीचे नंबर बचते हैं उन सबको पूरा करने के लिए उसको क्या कर दो, जीरो से मल्टीप्लाई, कितने भी बचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बचे जीरो से गुणा कर, ठीक है। तो ये जीरो, जीरो और जीरो, और उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो ये दो मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है। 5 को 2 से करेंगे 10, 4 को 1 से करेंगे 4, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0, और फिर क्या करना होता है, लास्ट में जोड़ना होता है, तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14। तो इस दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी, 14। करना कुछ नहीं है, नंबरिंग दे दो, एक को लिखे यहाँ पे, एक लिखो, उसके बाद है दोनों तरफ क्या लिखो, गिनते लिखो, और उल्टा लिख के दोनों को आपस में गुणा करो, सबको जोड़ दो, जो भी डिजिट कम पड़े उसकी जगह क्या लिख दो, जीरो लिख दो, ठीक है, कुल वर्गों की संख्या है। आगे वाले प्रश्न में देखो, ये दिया आपने को आकृति एग्जाम में, और पूछा है कि इसमें वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो देखो पुराना तरीका है, बनाओ डिवाइड कर दो, बस इतनी सी आकृति ले लो इसमें, ठीक है, बाकी को भूल जाओ, बार है ही नहीं, बस ये आकृति है अपने पास, बार वाली आकृति नहीं है, बस इतनी, इसमें वर्गों की संख्या बताओ क्या करते हैं, एक, दो, एक, दो, दोनों तरफ लिखते हुए लिखनी है, कुल वर्गों की संख्या चाहिए, क्या लेंगे, उल्टे क्रम में लिखो, उल्टे क्रम में दोनों को लिख दो, कॉलम और पंक्ति को, और क्या कर दो आपस में, गुणा, गुणा करने पर 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, और फिर क्या कर दो, इनको जोड़ दो,
तो ये लो मैंने जोड़ दिया, कितने आ गए? 5। करना कुछ नहीं है, बस वही तरीका अपने पास, इस बीच वाली आकृति में कितने वर्ग आ गए? 5। ऐसे ही अब देखो पूरी आकृति लो, ये वाले और ये वाले बीच में से काटेगा इसको, लेकिन ये वाली रेखाएं नहीं है, ठीक है? केवल ये इतनी सी आकृति डिवाइड ही तो किया अलग अलग। इसमें भी वही तरीका है, 1 2, ये एक तो आ गया और दो, यहाँ पे भी लिख लो 1, ठीक है? इसमें भी वही तरीका, उल्टा लिखो, ये लो दोनों को गुणा करो तो 2 और 1, ये 4 और 1, 2 को 2 से करें कितने आएंगे? 4, और क्या करो जोड़ दो कितने आ जाएंगे? 5। तो 5 इस आकृति में, 5 इस बड़े वाली आकृति में, तो कुल कितने हो गए? 5 और 5 10 आ गए। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है दोस्तों? बस यही तरीका है, अपने वर्ग जहां पे भी दिखे कॉलम और पंक्ति में नंबरिंग दो, उल्टा लिख के मल्टीप्लाई करो और फिर सबको क्या कर दो? जोड़ दो, बस इतना सा तरीका है। बड़ा प्रश्न दिखे तो ऐसे डिवाइड कर लो अलग, बस यही छोटी सी ट्रिक है अपने पास, ठीक है? तो वर्गों की संख्या निकालना अपने को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे अपन क्या करेंगे? आयत की संख्या गिनना सीखेंगे। देखो देखो आगे क्या करेंगे, आयत की संख्या निकालना, मतलब अपने को कोई भी आकृति देगा और उसमें कुल आयतों की संख्या निकालनी पूछेगा, आयत की कुल संख्या। तो देखो आयत में क्या ध्यान में रखनी है, चाहे चतुर्भुज है चाहे आयत है, सेम तरीका रखना है जो भी मैं बताऊं, चाहे तो वो चतुर्भुजों की संख्या पूछे चाहे आयत की संख्या पूछे, दोनों में तरीका क्या रखना है? सेम। देखो प्रश्न ये आया अपने पास, पूछा है दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो तरीका देखो, पहले तो कोई अपना पुराना कोई दिन नंबरिंग देना, नंबरिंग हमेशा अपने को क्या रखना है, कॉमन रखना, नंबरिंग तो देना ही है। तो देखो 1 लिखा है और दोनों तरफ क्या कर दो? गिनती लिख दो भाई, नंबरिंग करना, 1 2 3 1 2 लिख दिया। अब वर्ग में तो क्या कर रहे थे, उल्टा लिखा और फिर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई और जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा तरीका क्या करना, चेंज, लिख दिया नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद में कॉलम और पंक्ति दोनों का जोड़ निकाल लो अलग अलग। देखो ऐसे इसका देखो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 1 2 3 सबको जोड़ ली, ब्रैकेट में लिखो, ठीक है? फिर इसका जोड़ करो, तो देखो 1 प्लस में 2 इतने तो है, ब्रैकेट में लिख दो, योग ही तो किया था मतलब। और इन दोनों को योग करने के बाद में इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। उसमें तो देखो अपन नंबरिंग किया, उल्टा लिखा फिर मल्टीप्लाई करें, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है? नंबरिंग किया, दोनों तरफ अलग अलग जो नंबरिंग है उनको अलग अलग जोड़ लिए, फिर इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, और गुणा करना इन दोनों को, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा? 18। तो इस दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं? 18 है। देखो थोड़ा सा तरीका अलग है, वो ही नंबरिंग करना है दोनों तरफ, बस इसमें क्या करना है, पंक्ति को अलग से जोड़ दो और कॉलम को अलग से जोड़ लो। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ लिया पहले तो 1 2 3, फिर मैंने इसको जोड़ लिया 1 और 2, दोनों का योग करो अलग अलग, ठीक है? योग करेगा तो इसमें 6 है और इसमें 3, दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो, कितने आ जाएंगे? 18। ये नहीं कर देना भाई कि देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया मैंने 1 प्लस में 2, तो ये तरीके में उत्तर 18 नहीं आएंगे, ध्यान में रखना है हमेशा। क्यों नहीं आएंगे? देखो क्योंकि बोर्ड मास ये कहता है पहले गुणा करो, तो 3 को और 1 को क्या करो? पहले गुणा, तो 3 और 2 और 1, अब प्लस के चिन्ह है तो इनको जोड़ के देखो, 3 2 5 5 और 2 7 और 1 8, नहीं आया। तो हमेशा ध्यान में रखना है कॉलम को अलग जोड़ो और रो को अलग जोड़ो, ये वाले अलग जोड़ो पहले, मैंने जोड़ लिए, फिर इसको अलग जोड़ो, जो भी नंबर दे रखे ना उसमें सबको जोड़ लो, ये मैंने अलग जोड़ लिया, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, और जो भी उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अपना कुल आयतों की संख्या हो जाएगी।
दूसरा प्रश्न देखो, समझ में आ गया होगा। तो दूसरा प्रश्न देखो, दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? क्या करना है अपने को? वो तरीका नंबरिंग दो। मैंने क्या नंबरिंग? नीचे भी नहीं करना, दो और तीन। क्या चाहिए? आयत चाहिए, कुल आयत चाहिए। तो अपने को क्या करना है? पंक्ति और कॉलम को अलग अलग जोड़ करना है। तो इसका तो देखो, एक दो तीन, ठीक है। फिर इसका भी तो करना है। तो ये लो, मैंने क्या, एक प्लस में दो प्लस में तीन, दोनों का अलग अलग योग कर लिया। फिर क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। तो ये मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जोड़ करो, तीन और दो पांच और एक छह, तीन दो पांच और एक छह। तो छह को छह से गुणा करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 36। तो दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं अपने पास में? 36। किया कैसे है? नंबरिंग किया, कॉलम और पंक्ति दोनों में अलग अलग नंबरिंग करके उनको अलग अलग ऐड किया। फिर दोनों को आपस में क्या किया? गुणा। गुणा करने पर जो भी उत्तर आए वो क्या हो जाएगी अपने पास? कुल आयतों की संख्या। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट किया करो, हमें बताया करो कहाँ हमारी कमी रहती है, हमें मोटिवेट भी किया करो साथ में कि सर ऐसे ऐसे चल रहा, कोई भी कमी आती है तो वो कमेंट में लिखा करो, रिप्लाई देंगे हम आपको, आगे सुधार भी करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।